देख सकते हैं कि हम लोग जो है छावड़ा थाना में मौजूद हैं और आज होली का दिन है, लेकिन होली के दिन एक ऐसा अनहोनी हो गया जिसके वजह से यहाँ पे हजारों लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। पहले आप इस गाड़ी को देख लीजिए, ये गाड़ी जो है मुर्गी को ढोने वाला गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी ने होली के दिन बाजार करने जा रहे युवक को इतना जोरदार टक्कर मारा कि एक युवक की मौत तो मौके पे ही हो गई। यही वो घटनास्थल है जहाँ पे टक्कर मारा गया था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे तमाम लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। यहाँ पे भैया इनसे बात करता है, कैसे क्या हो गया भैया? इस सिंगल रूट के चलते हमेशा घटना घटने रहता है, इस पर कोई प्रतिनिधि का ध्यान भी नहीं है। इतना आवन गमन इस रूट से बढ़ा हुआ है, रोड सिंगल होने के कारण इस घटना हुआ है। अच्छा, क्या घटना हुआ है? घटना हुआ है कि बाइक से उधर से आ रहा था, स्पीड में था, लोग दोनों आदमी आमने सामने टक्कर हो गया। एक आदमी स्पॉट डेथ हो गया, एक आदमी को हॉस्पिटल हम लोग लाद कर भेजे हुए हैं। अच्छा, एक लड़का जो स्पॉट स्पॉट पर मर गया, एक लड़का को हॉस्पिटल हम लोग सबको मिलकर हॉस्पिटल में भेजे। अच्छा, एक लड़का जो जिंदा उसको अस्पताल में भेज दिया। लोग ध्यान देना चाहिए कि रोड और चौड़ा होना चाहिए, आना गमन बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या कुछ पता लगा जो लड़का मरा है, जिसका एक्सीडेंट हुआ? सुन रहे हम लोग की नेपाल का रहने वाला है, कवाई का। कवाई का रहने वाला है, बाजार करने आ रहा था, छोड़ा दोनों कुछ सामान मन खरीद। होली का दिन किसके लापरवाही से सब हुआ होगा? अभी तो हम लोग सामने नहीं थे, लेकिन हम लोग के सामने देखते है, हमेशा इसे घटना घटते रहता है इस रूट में। और कैसे क्या हो गया, थोड़ा जानकारी दीजिएगा, कैसे क्या हो गया? अरे हम इधर से जा रहे थे ना, तो इधर से बाइक से हुआ, इधर से जा रहा था। हाँ, क्या हुआ? अरे हम बाइक से जा रहे थे, वो भी लड़का मेरे पीछे था। अच्छा, गाड़ी का और पिकअप का 120 काटा था। और हम 120 पे चला रहा था, इसको मुर्गा बेचने का शौक था यार। अपना टाइम टेबल पकड़ रहा था, और ये हमने सामने मारा है, अपने साइड में था मोटरसाइकिल वाला। हाँ, सामने मर गया, हमारा सामने मारा है। हाँ। मैं ड्राइवर को पकड़ कर यहाँ पे नहर पर वहाँ पे रखा हूँ ढाला पर। हाँ। और अब देख सकते हैं कि ये स्थानीय जो पुलिस है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आ गई है। हालांकि मौके पे तो पहुंच गए, लेकिन एक युवक की जान बेरहम तरीके से चल गया, जबकि दूसरों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने सहयोग करके भेज दिया। बाकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं, होली के दिन का ये तस्वीर है। होली के दिन बाजार करने जा रहे युवक को मुर्गी ढोने वाली गाड़ी ने इतना जबरदस्त टक्कर मारा कि शीशा तो चकनाचूर हुआ ही हुआ, लेकिन मौके पे एक लड़का का मौत भी हो गया। थोड़ा सा आ जाइए, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, लोगों का लोग जो है उनको बचाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य था कि एक लड़का तो मारा गया, लेकिन दूसरे लड़का को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके का टक्कर है, लोगों का ये कहना है कि दूसरे लड़का की जान भी शायद जा सकती है। अच्छा, क्या लग रहा है कि दूसरे को जो टक्कर लगा वो लड़का बचे गया, उसका स्थिति गंभीर होगा? स्थिति गंभीर है, गंभीर है उसका स्थिति। बाकी ये गाड़ी है, देख सकते हैं गाड़ी में कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है, गाड़ी पर खर्चा उड़ गया। इसमें कहां पे वाइजर है, कहां पे मोटर गार्ड, कुछ भी नहीं बचा है, इतना जबरदस्त टक्कर लगा है। अब ये लापरवाही, थोड़ा हटिए आप लोग, थोड़ा सड़क को भी दिखा लेने दीजिए। जो सरकार सदन में बैठ के बिहार को चलाने की बात करती है, उस सरकार का इंटरनेशनल सड़क है ये सड़क सीधा नेपाल जाती है, आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल है, लेकिन नेपाल जाने वाली इंटरनेशनल सड़क का चौड़ाई देखिए, ससुरा एगो टायर भी सही से नहीं जा पाएगा इस पे। लेकिन बॉर्डर अगर पार करेंगे तो नेपाल की सड़क जो है 40 फीट चौड़ाई है, 40 फीट। जरा सोचिए, नेपाल सरकार अपने कम आबादी के लोगों के लिए जब 40 फीट चौड़ी सड़क बनवा सकती है, तो नामर्द बिहार सरकार 10 फीट की सड़कें क्यों बनवाती है, जिस पर एक गाड़ी भी पार नहीं हो पाता। अगर दूसरा गाड़ी आ जाएगा तो क्या करना होगा? दूसरे गाड़ी को नीचे उतारना पड़ेगा। जी जी। अगर नहीं उतारिएगा तो गाड़ी वाला आपको ठोक के चला जाएगा। और इस प्रकार का घटना लगातार होता लगता है, उसके बावजूद इस पर जनप्रतिनिधियों का नजर नहीं होता। जब भी सवाल पूछिए तो इस पे आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगा। बाकी ये पूरा भीड़ आप देख सकते हैं, इलाके के जो तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाकी यही वो गाड़ी है, जिस गाड़ी से होली के दिन भाई साहब जो है साथ बाजार में मुर्गा और का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहे थे, लेकिन इतना जबरदस्त टक्कर हो गया कि उसके बाद जो है एक लड़का का मौत हो गया और दूसरा लड़का जख्मी है, जिसकी स्थिति गंभीर है, उसको इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। बाकी आगे तो समय बताएगा लड़का बचता है कि नहीं बचता, लेकिन एक बार सड़क का चौड़ाई दिखाइए जरा। यह सड़क है, एक गाड़ी आएगा तो ससुरा दूसरा गाड़ी को नीचे उतरना पड़ेगा। टेम्पो वाला भाई साहब देखिए, ये टेम्पो जो है दोनों व्हाइट पट्टी के बीच में है, तो यहाँ पे जगह कितना बचा, ये को मोटरसाइकिल भी सही से नहीं जा पाएगा। लेकिन जब बड़ा बड़ा गाड़ी खड़ा हो जाएगा, उसके बाद दूसरा गाड़ी कैसे जाएगा भाई, ये भी सोचने वाला बात है। लड़ जाएगा। डर लगता है इस रोड पे गाड़ी चलाने में? डर लगता है। क्या बोल रहे हैं? लगता है डर चलाने में, डर लगता है। अच्छा, ऐसा घटना पहला बार हो गया, इससे पहले भी होता रहा था? बहुत 3-4 बार हो गया। लेकिन सरकार क्या करती है, यहाँ के सांसद विधायक क्या करते हैं, रोड बनवाने का खाने वो सब खपत करता है। अच्छा, 5 किलोमीटर की दूरी पे नेपाल है, नेपाल गए हैं? हाँ। सड़क कितना चौड़ा है? बहुत चौड़ा है उधर नेपाल का, 40 फीट चौड़ा है। सड़क का फीट चौड़ा है 10 फीट होगा, 10 फीट होगा। लमड़ा के फीट नापिए तो 10 फीट होगा। बाकी यही स्थिति बिहार की है, और बिहार की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है, जिसको आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कम चौड़ाई वाले सड़क पे
होली के दिन बाजार करने जा रहा युवक को इतना जबरदस्त मुर्गी ढोने वाली गाड़ी ने मार दिया कि बीच सड़क पे ही तड़प करके एक लड़का मर गया और दूसरा लड़का जिंदगी और मौत की लड़ाई अभी लड़ रहा है। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसको भी दिखाने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बाकी आगे की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए होली के दिन हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सच्ची रिपोर्ट छावड़ा दल ढाला के पास से दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद जय भारत।